हेलो एवरीबॉडी, भिवानी बोर्ड से एक नई अपडेट आ गई है। क्या अपडेट आई है? यदि आप इंटरेस्टेड हैं हरियाणा बोर्ड से तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। हो सकता है इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राजेश स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। दोस्तों, बहुत टाइम से इंतजार था कि कंपार्टमेंट के फॉर्म कब भरे जाएंगे, इम्प्रूवमेंट के फॉर्म कब भरे जाएंगे, री के फॉर्म कब भरे जाएंगे हरियाणा बोर्ड के। तो उनके लिए ये न्यूज है, ये वीडियो है। हरियाणा बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है कंपार्टमेंट वालों के लिए, इम्प्रूवमेंट वालों के लिए, ठीक है, और एडिशनल एग्जाम जो देना चाहता है उनके लिए। जिनका मार्च 2017 में री आई थी वे भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी जुलाई 2017 में री आई थी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एक मेरी है, दो मेरी है, कितने में कंपार्टमेंट है, आपकी टोटल फीस 700 रुपए लगने वाली है, ठीक है। चाहे आप एक पेपर के लिए अप्लाई करो, चाहे आप दो पेपर के लिए अप्लाई करो, 700 रुपए फीस आपकी लगेगी, ठीक है। लेकिन 700 रुपए लेट फीस है जो, इसके साथ यदि कुछ कंडीशन भी है, जैसे आप 4 दिसंबर तक अप्लाई करते हो तो आपके सिर्फ 700 रुपए लगेंगे। यदि आप 5 दिसंबर से स्टार्ट करके 11 दिसंबर तक फार्म भरते हो तो आपको 800 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि 100 रुपए लेट फीस आपकी ऐड हो जाएगी 700 में। यदि आप 12 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक अपना फार्म भरते हो तो आपकी फीस लगेगी 1000 रुपए, यानी कि 300 रुपए और आपकी लेट फीस उसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद यदि आप 19 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक फार्म अप्लाई करते हो तो आपको 1700 रुपए भरने पड़ेंगे, यानी कि 1000 रुपए लेट फीस ऐड हो जाएगी उसमें, ठीक है। इसमें जो आपकी पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट होगी, यानी कि नेट बैंकिंग से होगी, आपको किसी बैंक के चक्कर नहीं काटने हैं। उसके बाद इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कंपार्टमेंट के, इम्प्रूवमेंट के, फुल इम्प्रूवमेंट के या एडिशनल एग्जाम के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो एडिशनल एग्जाम का फॉर्म भरना चाहता है, जिसने 2016 से पहले अपनी 10वीं या 12वीं पास कर ली थी, अब वो एडिशनल कोई एग्जाम देना चाहता है, तो उसको अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा वो, और साथ में जो क्लास आपने पास की है 10वीं 12वीं, और आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो आपको साथ में भिवानी बोर्ड भेजने पड़ेंगे, ठीक है। एड्रेस आपका उस इनवेलप पे आ जाएगा। आपकी से इसके बारे में कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, आप पूछ सकते हैं, पर्सन पूछ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो बस ये छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। आपको कैसे लगे कमेंट शेयर करें, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।